Hey guys, this is Vishal and welcome to yet another video of Trade with Vishal. और आज मार्केट पे फिर से ऊपर नीचे फिर से हमने ट्रेड किया, फिर से आप सीख सकते हो कि ये ट्रेड से आपने क्या सीखा और कैसे आप भी ऐसे सिंपल ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस में. और रोज ही होता है कुछ ना कुछ. और कल जिस हिसाब से मार्केट बंद हुआ था ऐसा लग रहा था कि और नीचे जाएगा, लेकिन आज नीचे गया नहीं. उसका क्या मतलब है, उसमें फॉलो थ्रू नहीं आया, RSI कहाँ पे है, सारी बातें करेंगे मार्केट के बारे में और आज का ट्रेड भी देखेंगे. चलिए देखते हैं पहले आज का ट्रेड क्या था. 5 मई, टुडे इज अ वेरी फेवरेट डे ऑफ माइन, इट्स माय वाइफ्स बर्थडे. मेघना मलकान का बर्थडे है, ऑफ कोर्स आप विश करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में डाल दे और उनके चैनल पे, उनको इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी विश कर सकते हो. राइट, सो दिस इज द मार्केट टुडे. सो इफ यू सी द डेली कैंडलस्टिक पैटर्न इज वेरी बेरिश ऑन यस्टरडेज टाइम फ्रेम. मतलब और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो 40 टूटेगा, लेकिन डेली 40 RSI बैंक निफ्टी देखो कितना पावरफुल है, इतना वो लक्ष्मण रेखा की तरह है, टूटता नहीं है और फिर से बाउंस हो गया. आज थोड़ा सा रिकवर हो गया. सो दैट वॉज द ट्रेड. बट विद इन द इंट्राडे जब बाउंस होने के बाद फिर से रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा था, वहां पे 60 को रेजिस्ट करके और हमने यहाँ पे कॉल खरीदा 40 के सपोर्ट पे. दिस इज लाइक एक्सपायरी लेवल 3. तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया, 15 मिनट का चार्ट पे है और 2 या 3 कैंडल है. मतलब 200 क्वांटिटी लिया 114 पे और 189 में बेच दिया, विच इज अराउंड 15,000 रुपीज, 15,000. और ये 15 मिनट का 3 कैंडल, मतलब 45 मिनट्स के अंदर काम खत्म हो गया. तो ये जो ट्रेड है, अब ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे आप भी सीख सकते हो, पहले तो मुझे बताओ. हर एक का कमेंट चाहिए मुझे कि यस आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑप्शंस मास्टर ट्रेडर और आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑप्शंस मास्टर इन द कमेंट सेक्शन. मुझे ऑप्शंस को मास्टर करना है और मुझे ऐसे रोज ट्रेड करने हैं. रोज नहीं, जब भी मिले तभी, भले हफ्ते में 2 ट्रेड भी मिले तो भी क्या खोटा है, राइट. सो फॉर दैट हाउ मच टाइम यू आर विलिंग टू पुट टू लर्न दिस, हाउ मच एफर्ट यू आर गोइंग टू पुट टू लर्न दिस, हाउ मच आप डेडिकेशन फोकस करोगे, अपने आप में कितना इन्वेस्ट करोगे, दैट्स द क्वेश्चन आई एम आस्किंग, राइट. और अगर ऐसे ट्रेड करते हो और एक ट्रेड भी ठीक ठाक चलता है तो वाई नॉट लर्न प्रॉपरली and attend the next OPL. Right now, you know that OPL is coming soon, Option Premier League, kickoff session 14 और 15 को training और 16 और 17 को live training. 16 को शायद छुट्टी है, पता नहीं था, तो 17-18 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. तो ये जो दो दिन का ट्रेनिंग है वो that's available only at this nominal price. उसके साथ 2 courses भी free है. और एक news है आपके लिए, अगर आप जानते हो कि हमारा और CNBC का एक बहुत बड़ा event हो रहा है कॉल इन्वेस्ट वाइज लर्न अर्न एंड ग्रो, और उसमें हमने हमारे तरफ से एक बोनस रखा है कि इफ यू ज्वाइन इन्वेस्ट वाइज जो 27, 28, 29 मई को हो रहा है, तो उसका टिकट आपने लिया तो आपको OPL किक ऑफ पूरी तरह से फ्री मिल जाएगा, विच इज द 2,500. सो यू कैन गो टू malkanwebinar.com फॉर दैट लिंक. वहां पे अनुज सिंगल जी तो है ही, मैं और मेघना है, निलेश शाह जी है जो बड़े फंड मैनेजर और कोटक के डायरेक्टर है, कोटक एसेट मैनेजमेंट के, और 2 स्पीकर अनाउंस होने वाले हैं जल्दी, राइट. सो ये टिकट CNBC का इवेंट है, हो रहा है और उसके साथ में अपना OPL आपको कंप्लीटली फ्री दे रहा हूँ. सो यू कैन टेक दैट ऑल्सो malkanwebinar.com. और खाली OPL अटेंड करना है तो यू गो टू द OPL.in, राइट. सो दैट्स द वन. एंड प्लस कुछ भी सीखोगे, ऐसा नहीं कि ये 2 दिन के ट्रेनिंग में या 4 दिन के ट्रेनिंग में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बोले आपको रास्ता मिल जाएगा. अभी वो रास्ते पे आपको चलना है, प्रैक्टिस करना है और आगे लेके जाना. तो आज का मार्केट देखते हैं कि इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग निफ्टी में. पहले तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो आप देखोगे कि ये 40 पे आके कल ब्लैक कैंडल था, लेकिन आज नया लो नहीं बनाया पूरे दिन में, राइट. तो उसका मतलब है कि वो सपोर्ट अभी भी खड़ा है. अब कल टूटेगा और टूट के वापस बाउंस होगा, विल सी दैट. वहां पे यहाँ पे रेट हाइक हो गया, वहां पे रेट हाइक हो गया, बट फिर भी डेली उसने 40 तोड़ा नहीं है अभी तक. सो लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या फर्क पड़ता है. And that is also, थोड़ा सा 40 के नीचे गया है closing. Let's see tomorrow if we get a follow through or not. यहाँ पे पहले का एक support भी है, आप देखोगे. And this also becomes a, what do you call, 50% retracement support. If you see this, 50% से थोड़ा सा नीचे है और 61 थोड़ा सा और नीचे है, वहाँ पे support बन सकता है. So that's an important support for Nifty, Bank Nifty both. तो लगता है कि कल का दिन है, and which is tomorrow is Friday. राइट, तो फ्राइडे का क्लोजिंग, कल वीकली क्लोजिंग हो जाएगा, वीकली कैंडल, वीकली क्लोजिंग. अगर 40 पे नहीं तोड़ता है, दैट मीन इट्स अ गुड साइन, एंड देन वी कैन लुक फॉर रिकवरी इन द नेक्स्ट वीक. अगर 40 तोड़ के नीचे बंद आया,
then we'll have further decline and then we can see a bearish candle in the next week also. तो ये जो है अब if and but है जो होगा, मतलब आपको तैयार रहना है कि अगर ये होगा तो मैं buy trades करूंगा, ये होगा तो मैं sell trades करूंगा. तो मेरा buy list और sell list दोनों ready होना चाहिए. मैं वीकेंड के लिए आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको जल्दी पता चल जाएगा, तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हो. राइट, सो पूरी तरह से मई के महीने में अपने आप को डेडिकेट करो कि मैं सीखूंगा, मास्टर करूंगा और पैसा भी बनाऊंगा. क्योंकि मई यूजुअली वॉलेटाइल होता है जो मैंने हिस्टोरिकली देखा इतने सालों से, और वो शायद अगर ये मंथ में भी होता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सीखे और पैसा बनाए एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर. राइट, सो आई होप यू लर्न अ लॉट दिस ट्रेड वीडियो, दिस मार्केट व्यू, और धीरे धीरे करके आपको समझ में आ. अगर बिल्कुल नए हो तो आपकी ट्यूसडे टेक्निकल टॉक देख सकते हो, प्रो ट्रेडर टॉक देख सकते हो, और अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हो ऑप्शंस के ट्रेड्स भी देख रहे हो, और ऑप्शंस के साथ मैं बेसिक कोर्स भी फ्री दे रहा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है आपको. जैसे यहाँ पे आपको दो कोर्स फ्री मिल रहे हैं जो हमेशा हम देते हैं ताकि जो नए लोग हैं वो भी ट्रेड कर सके और सीख सके. और अगर चाहिए कि आप CNBC पे भी आओ तो दोनों चीज आपको मिल जाएगी, और सारी ट्रेनिंग पूरा महीना मई में आप सीखोगे. 4 दिन OPL में, फिर 3 दिन CNBC के इवेंट में, फिर कुछ ना कुछ Q&A सेशन होते रहेगा. सो मई में आपका जो नॉलेज है एक लेवल ऊपर जा सकता है अगर आप डिसाइड करो तो. सो दोनों लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.